हे गाइस आई एम निखिल इन दिस वीडियो आई बी टॉकिंग अबाउट ड्यू पेरोलिथिक मेजोलिथिक एंड न्योलॉथिक कल्चर्स एग्जाम परसपैक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है एंड एग्जाम में कई बार इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो सो दिस लिल बडॉट मी सो इंडियन एस्टोनेज को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं पेरोलिथिक मेजोलैथिक एंड न्योलॉथिक ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल एज स्टोन टूल्स एंड सबसिस्टेंस बेस सो इंडियन स्टोन टूल को पैलोथिक मेजोलथिक एंड न्योलोथिक में हम डिवाइड कर सकते हैं किस बेसिस पर स्टोन टूल्स के बेसिस पर जियोलॉजिकल एज के बेसिस पर और सबसिस्टेंस बेस के बेसिस पर मतलब जियोलॉजिकल एज से मेरा मतलब है कि उस टाइम पे प्लस था या होलोसीन था या कौन सा जियोलॉजिकल एज था एंड अगर आपको ये और जाना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखें जियोलॉजिकल एज और ह्यूमन एवोल्यूशन पर सो एनी वे स्टोन टूल्स का मतलब है कि अग स्टोन uh, टूल्स कैसे थे रोडीमेंट्री स्टोन टूल्स थे या फिर पॉलिस्ड स्टोन टूल्स थे एंड सबसिस्टेंस बेस का मतलब है कि एग्रीकल्चर पर सर्वाइव करते थे लोग या फिर हंटिंग गैदरिंग पर सर्वाइव करते थे या कोई मिक्सड या हाइब्रिड पैटर्न था तो ये सब हमको हम देखेंगे इस वीडियो में एंड ये भी हमको इससे पहले हमको ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पैलोलिथिक मेजोलिथिक या न्योलोथिक साइमल्टेनियसली या एकदम से यूनिफॉर्मली नहीं आते हैं पैलो ऐसा जरूरी नहीं कि पैलोलिथिक पूरे इंडिया में एक साथ ही आया हो एक ही टाइम पीरियड पे ये वैरी करता है रीजन टू रीजन एंड तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखने की ज़रूरत है सो so, पैलोलिथिक पैलोलिथिक एज की बात करते हैं सो so, पैलो का मतलब होता है पुराना एंड लिथिक का मतलब होता है पत्थर सो so, पैलोलिथिक का मतलब है स्टोन एज का वो पार्ट जो सबसे पुराना है ओके एंड पेलोलीथिक स्टार्ट हुआ था टू मिलियंस ईयर अगो एंड ये बिलोंग करता है प्लेस्टोसिन जोलॉजिकल एज को प्लेस्टोसिन जियोलॉजिकल एजेस में बहुत सारी आइस एजेस थी तो ये चीज़ भी हमको ध्यान रखनी है उस टाइम का क्लाइमेट ठंडा था एंड उस टाइम में मेन सबसिस्टेंस बेस था हंटिंग गैदरिंग लोग हंटिंग गैदरिंग पर डिपेंड थे और इसी से वो सरवाइवल करते थे अपना एंड पेलोलिथिक स्टोन एज को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं थ्री पार्ट्स में लोअर पैलोलिथिकज मिडल एज एंड अपर सो इनको डिटेल में जानते हैं सो लोअर एज स्टार्ट होती है टू मिलियन ईयर अगो से वन हंड्रेड थाउजेंड्स ईयर अगो ओके सो ये बिलोंग करती है लोअर प्लेस्टोसिन एरा को लोअर प्लेस्टोसिन एरा में बहुत सारे आइसजेस थे एंड इसमें यूज होते थे पेबल्स एंड कोर टूल्स पेबल एंड कोर टूल्स बड़े रूडिमेंट्री होते थे मतलब बड़ा कोई पॉलिस्ड और खा मतलब ज़्यादा पॉलिश टूल नहीं होते थे थोड़ा रूडिमेंट्री टूल्स होते थे और कोर टूल्स का मतलब होता था कि बहुत पत्थर को ज़्यादा ये फर्निस्ड यूज मतलब फर्निस्ड नहीं होता था बहुत ज़्यादा पॉलिश नहीं होता था ऐसे रूडिमेंट्री होता था एंड हैंड्स इसका एक एग्ज़ाम्पल है क्लेवर एग्जाम्पल है चॉपिंग टूल्स एग्जाम्पल हैं इसके एंड इसमें इंपॉर्टेंट साइट्स थी सोहन वैली बेलन वैली एंडवाना एंड सो दीज आर सो लेट्स से फोर्टीन थाउजेंडर को एंड बिलोंग करती है इस टाइम पे भी वेदर थोड़ा ठंडा था एंड इसमें यूज होते हैं फ्लेक टूल्स मोस्टली uh, एंड यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट साइट्स होती हैं वो है काल्पी निवासन एंड पोटवार प्लेटो ओके देन वी हैव अपर पेलरथिकज जो कि स्टार्ट होती है फोरटीन फोर्टीन थाउजेंड फोर्टीन थाउजेंड से टेन थाउजेंड्स ईयरों को सो ये बिलोंग करती है अपर पेलास्टोसिन इसमें यूज होते थे पेलर साइटेड ब्लेड्स जो कि दोनों तरह से पैलर दोनों तरफ से ब्लेडेड दोनों तरफ से वो शार्प होते थे एंड देन वो यूज़ करते थे बोरेन्स एंड इम्पोर्टेंट साइट्स हैं यहाँ पे बागोर एंड कुरनूल so बहुत इम्पोर्टेंट साइट्स हैं अपर पर एज की सो देन वी हैव एज बहुत इम्पोर्टेंट है इस का मतलब होता है बीच की एज यानी कि ये पैलोलिथिक और एज के बीच की एज है एंड ये स्टार्ट होती है टेन थाउजेंड सीरो एंड ये बिलोंग करती है होलोसिनरा को होलोसिनरा में बहुत सारे रिमार्केबल चेंजेस आए थे क्लाइमेट एंड वेदर में जैसे कि क्लाइमेट बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था एंड वेट हो गया था हैवी रेनफॉल होने लगी थी जैसा आज आज का जो जोलॉजिकल जो जो एज है वो भी होलोसिन है तो ये जैसे आज समर में मानसून विंटर होती है जून जुलाई में उस टाइम पर भी इसी तरह का क्लाइमेट हो गया था और इससे पहले जो प्लस टू आ रहा था वो ठंडा था उसमें आइसेज थी तो अब क्लाइमेट में बहुत सारे चेंजेस आने लगे हैं एंड इसी वजह से लोगों ने स्मॉलर टूल्स की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया लोगों ने छोटे छोटे टूल्स बनाने शुरू कर दिए काफ़ी स्टोरेंट्स का मानना है कि वेदर में चेंज आने की वजह से एनिमल के हैबिटेशन में भी चेंज आया एंड एनिमल्स के हैबिटेशन में चेंज आने की वजह से जो लोग हंटिंग गैदरिंग करते थे अब उनका जो टारगेट जो होता था वो अब छोटे एनिमल्स होने लगे इसलिए उन्होंने छोटे टूल्स बनाने शुरू कर दिए एंड हिस्टोरियंस टूल्स को बोलते हैं माइक्रोलिट्स माइक्रो का मतलब छोटा एंड लिट्स मतलब पत्थर सो so, ऐसे स्टोन टूल्स जो कि बहुत छोटे होते हैं साइज में ओके सो एंड मेजोलेथिक में लोग सर्वाइवल के लिए हंटिंग गैदरिंग करते थे जैसे कि पहले पैलोलिथिक एज में हो रहा था लेकिन एक नया जो फीचर हमको एज में देखने को मिलता है वो है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स लोगों ने अब एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया पालना शुरू कर दिया है ओके एंड साथ में थोड़ा सा हमको सीडेंट्री लाइफ भी दिखता है टू सम एक्सटेंड ओके सीडेंट्री लाइफ का मतलब होता है जब लोग एक जगह रुक रहते हैं ठीक है इससे पहले हंटर गैदरिंग था तो लोग एक जगह रुक कर नहीं रहते थे वो लोग इधर उधर घूमते रहते थे हंटर गैदर्स थे वो कहीं एक जगह पे नहीं रुकते थे लेकिन मेजोलिथिक चेंज में एक रिमार्केबल चेंज आता है कि लोग थोड़ा सा टू टू सम एक्सटेंड वो एक्सीडेंट्री लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहे हैं एक जगह पर रुक रहे हैं क्योंकि जब वो एनिमल्स को पालने शुरू कर देंगे या वो थोड़ा सा खेती करना शुरू कर देंगे तो उन्हें एक जगह पे रुकना पड़ेगा हालांकि ये चेंज अभी बहुत ज़्यादा रिमार्केबल नहीं है ये न्यूलथिक में एज में बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट होंगे ये चेंजेस एंड यहाँ की जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं वो है भीम बेट एंड बागोर चौपानी मांडू एंड लुटेश्वर सो ये सारी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं भीम भेट बहुत इंपॉर्टेंट साइट है जहाँ से हमको केव पेंटिंग्स के एविडेंसेस मिलते हैं एंड जब मैं आर्ट एंड कल्चर पे अपनी हिस्ट्री सीरीज स्टार्ट करूँगा तो मैं आपको भीम बेटका के बारे में उसमें ज़रूर बताऊँगा एंड बागोर इम्पोर्टेंट साइट हो जाती है राजस्थान की जो पानी मांडो बहुत इंपोर्टेंट साइट हो जाती है देन वी हैव लोटेश्वर सो लेट्स कम टू दी एज सो एज स्टार्ट होती है सेवन हंड्रेड बी सी जो कि इंडियन सबकॉन्टीनेंट में सेवन हंड्रेड बी सी में स्टार्ट होती है ये ये भी बिलोंग करती है हेलोसिन पीरियड से एरा से एंड इसमें बहुत सारी चेंजेस आते हैं बहुत सारे रिमार्केबल सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं जैसे कि इसमें हमको टूल्स जो होते हैं वो पॉलिश टूल देखने को मिलते हैं टूल्स जो कि पहले रूडीमेंट्री टूल्स थे अब वो पॉलिश होने लगे हैं बहुत ज़्यादा इनोवेटिव टूल्स यूज़ होने लगे इनोवेशन हुआ टूल्स में टूल्स बेटर हुए टूल्स की टेक्नोलॉजी बेटर होने लगी है एंड साथ ही में फूड प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है यानी कि लोगों ने एग्रीकल्चर खेती करना शुरू कर दिया है एंड साथ ही में अब लोग खेती कर रहे हैं तो खेती के लिए जो ग्रीन सरप्लस मिलेगा उसके लिए उन, उनको रखने के लिए पोट्री भी चाहिए तो उन्होंने पोट्री बनानी शुरू कर दी ओके एंड अब वो खेती कर रहे हैं तो उन्हें एक जगह पे रुकना पड़ेगा जैसे कि मैंने अभी बताया सीडेंट्री लाइफ फॉलो करना पड़ेगा इसलिए उन्हें सीडेंट्री लाइफ का मतलब होता है एक जगह रुकना एक जगह रुक कर आ, रहना ओके देन इससे क्या होगा इससे सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी डेवलप होगी सेल्फ सफिशेंट विलेज इकनॉमी में डिवीजन ऑफ लेबर होगा ठीक है कुछ लोग ग्रेन उगा रहे होंगे कुछ लोग एनिमल डोमेस्टिकेट कर रहे होंगे इस तरह से सेल्फ सफिसट विलेज इकनॉमी डेवलप होनी शुरू हो जाएगी एंड बहुत इंपॉर्टेंट जो चेंजेस आता है वो है डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड ऑन दी सेक्स मतलब जेंडर के बेसिस पर लेबर डिवाइड हो जाएगा ओके जिससे आज हम देखते हैं कि जेंडर के बेसिस पर Uh, काम डिवाइड कर दिए जाते हैं सो एंड सो फोर्थ तो उस टाइम से न्योलथिक एज के टाइम से डिवीज़न ऑफ लेबर होता है यानी कि काम का बंटवारा हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर या फिर सेक्स कि लड़के का ये काम होगा एंड मैन ये काम करेंगे वोमैन ये काम करेंगे ओके सो ये डिवीजन हमको न्योलथिक एज में देखने को मिलते हैं देन इम्पोर्टेंट साइट्स आर मेहरगढ़ जहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अर्लीस्ट न्योलथिक साइट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट दैन वी हैव कोल्डी हवा जो कि राइस कल्टिवेशन की एविडेंस देती है हमको देन वी हैव बुर्ज होम एंड गुल्फकार बुर्ज होम एंड गुल्फकार कश्मीर की साइड से एंड ये दोनों हमको पिट डवेलिंग्स की एविडेंस देती हैं लोग ज़मीन के अंदर है पिड uh, पिट्स pit में रह रहते थे देन वी हैव चुराद उतनूर एंड बुधियाल उतनूर एंड बुधियाल साउथ इंडियन न्यूलोजिक साइड से ओके सो दिस फो सो या आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी हैव अ नाइस डे एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एंड लाइक वीडियो सो या